टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर। आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो जावा के ऊपर है, यानी हम जावा के प्रोग्राम्स करने वाले हैं। फिलहाल मैं एक क्लास ले लेता हूं जावा की, जिसमें मुझे जावा के प्रोग्राम्स करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने टर्नरी यानी कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। कंडीशनल ऑपरेटर हमने प्रोग्राम भी किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में जो प्रोग्राम है वो इफ़ के ऊपर है, यानी हम आज इफ़ के बारे में जानेंगे। तो हमारी क्लास का नेम होगा आज का इफ़ डेमो। ये मैंने बना रखा है, बना रहा हूँ मैं आपके सामने इफ़ डेमो के नाम से एक क्लास, जो कि इफ़ डेमो आपके सामने क्लास बन के आ रही है। इस क्लास का नाम जो है इफ़ डेमो है, और हम इस क्लास में प्रोग्राम्स करेंगे। तो ये मेरे पास इफ़ डेमो नाम से क्लास बन के आ गई है। अब आपको तो पता ही है, पहले जैसा कि सबसे पहले आपको बनाना है मेन पब्लिक स्टडी गाइड मेन PSVM टैब, ये आपका मेन बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दो वैल्यू इनपुट लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आज हम इनपुट का आज हम ऐसे ही करेंगे, इनपुट का प्रोग्राम हम कल करेंगे, या फिर ठीक है, इनपुट का प्रोग्राम हम कल करेंगे, आज इफ़ का प्रोग्राम हम करेंगे और देखेंगे कि इफ़ कैसे वर्क करता है। तो सपोज़ कि मेरे पास एक इंटीजर, एक नंबर है, जिसकी वैल्यू जो है कोई वैल्यू मैं ले लेता हूँ, और मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है यूजिंग इफ़ एल्स। तो इफ़ का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, फिर उसमें कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद से अगर एक ही लाइन लिखना है तो आप उसकी बॉडी नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास लाइन मल्टीपल है तो आप बॉडी बनाएंगे, यानी कि ये आप ब्रैकेट लगाएंगे। तो मेरे पास जो है कंडीशंस लाइंस ज़्यादा नहीं हैं, मैं एक ही लाइन को इम्प्लीमेंट करूँगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बॉडी नहीं लगाऊंगा। तो मैं चेक करता हूँ, तो नंबर इवन कब होगा, जब वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो नंबर इवन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको इवन प्रिंट कर दे, यानी EVEN इवन प्रिंट कर दे। अदरवाइज़ वो नंबर अगर डिवाइड नहीं होता है, नंबर अगर डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो क्या करे, नंबर डिवाइड बाय 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं, नंबर नॉट इक्वल्स टू अगर 0 डिवाइड होता है और 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये जो प्रिंट कर दे वो कर दे हमारा ऑड नंबर। तो ये था हमारा इफ़ का डेमो। इफ़ और जो है उससे हमने इवन और ऑड के प्रोग्राम्स को निकाल, और इसका हम आउटपुट देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। हम इसे रन कराएंगे और रन करा के आउटपुट पोर्शन में चलेंगे और देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो फिलहाल जो है आप देख रहे हैं मेरे पास 12 है। आप भी जानते हैं 12 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स वाई चेक ही नहीं करना है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, 12 की जगह 1, 2, 3 कर दिया, तो देखते हैं क्या 1, 2, 3 एक इवन नंबर है या नहीं है। तो इसे आप रन कराएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है 1, 2, 3 भी इवन है। अब मैं यहाँ पे 3, 3, 3 कर देता हूँ, 3, 3, 3 चेक करते हैं कि 3, 3, 3 इवन नंबर है या नहीं है। आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 3, 3, 3 एक ऑड नंबर है, या फिर आपको 3 ही चेक करना है। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं 3 क्या है, ये रन होके प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा, 3 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इफ़ के केस में यही होता है कि हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ की बॉडी लिखते हैं, और क्या करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे प्रोग्राम के बाद यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, इफ़ लिखते हैं, इफ़ की यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन जो भी आपकी कंडीशन मिले, अगर फिर से सुन लेना, अगर एक लाइन है तो आप जो है उसके लिए कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, अगर मल्टीपल लाइन है तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट करानी है, अगर मुझे लिखना है एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके इवन, मैं चाहता हूँ कि ओके इवन भी इफ़ के अंदर ही आ जाए, और आप इसे जब रन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर नंबर इवन जो है ओके इवन, ये नंबर क्या है, नंबर ऑड ही है, लेकिन ओके इवन चल रहा है, यानी कि ये भी बॉडी चल रही है, यानी ये इफ़ के अंदर नहीं आ रहा है,
ये लाइन जो है वो दिखा रहा है कि ये लाइन जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। यानी कि मैं फिर बताता हूँ कि अगर एक लाइन होगा तो ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मल्टीपल लाइन्स हैं तो आप उसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब आप इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे ओके इवन अब नहीं आएगा जब तक आपका ये ऑड, ये जो है ऑड ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा है 4। अब देखिएगा तो यहाँ पे दोनों लाइन आपको एग्जीक्यूट हुई दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको ओके इवन भी मिलेगा और ओके इवन भी मिलेगा। तो ये है हमारा आज का इफ़ का पोर्शन। कल की क्लास में आएंगे हम इफ़ एल्स के साथ। आप देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।